Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. Hello friends, मार्केट में इस वीक भारी बिकवाली देखी, मंथ एंड एक्सपायरी भी थी और इसके कारण मार्केट में गिरावट कुछ ज़्यादा ही हुई है। वैसे मंडे को बजट है और बजट से एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा है। टैक्स कट आएगा, आम आदमी के लिए टैक्स में रियायत या फिर कुछ पैसा उसके हाथ ज़्यादा बचेगा, ये सारे एक्सपेक्टेशंस है। अगर ये नहीं आते हैं तो फिर मार्केट में एक वापस नेगेटिव सेंटिमेंट होगा और मार्केट में बिकवाली या फिर करेक्शन और भी तेज हो सकता है। वैसे गवर्नमेंट के हाथ भी बंधे हुए हैं कोरोना के कारण। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिस्कली जगह कम है, तो अगर टैक्स बढ़ जाता है तो फिर मार्केट में तो ये नेगेटिव संकेत होगा। लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशन के लिहाज से पूरे विश्व में और भारत में भी मार्केट ऊंची सतह पे है, इसलिए करेक्शंस आना स्वाभाविक है और आना ही चाहिए। भले ही बजट के कारण मार्केट में हो सकता है शॉर्ट टर्म बाउंस भी आ सकता है, और अगर बजट एक्सपेक्टेशन अनुसार नहीं है तो मार्केट में ये करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है। सो ओवरऑल मूड माहौल वैसे तो ठीक है, एक्चुअली करेक्शन आ चुका है, इसलिए मार्केट में थोड़ी सी अब एक कंफर्ट लेवल आ रही है। तो इन्वेस्टिंग के लिहाज से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो सकता है अभी भी, लेकिन बजट देखने के बाद ही पता चलेगा कि गवर्नमेंट किस हिसाब से फिस्कली पॉलिसियां लाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स, कंज्यूमर रिवाइवल, कंज्यूमर डिमांड किस तरीके से वो बढ़ा सकती है। ये सारे के सारे फैक्टर्स इम्पोर्टेंट रहेंगे आगे के दिशा के लिए। लेकिन ओवरऑल मार्केट में ग्लोबली वैसे तो हाई वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं मार्केट, ग्लोबली करेक्शन की संभावना है और कुछ कुछ जगह पे तो बबल्स भी मार्केट में हमने देखे हैं। आपने गेम स्टॉप का सुना होगा, जो यूएस एनवाईएसई लिस्टेड कंपनी है, $35 का $480 हो गया है सिर्फ 10 दिन में, और अब ये वापस वही $480 50-60% करेक्शन वापस शॉर्ट टर्म में आ चुका है। तो इतनी ज़्यादा वटगट स्टॉक्स में आ रही है, तो ये भी एक संकेत देता है कि मार्केट कुछ कुछ जगह पे एक बबल जैसा बिहेव कर रहा है। सो ओवरऑल इक्विटी वैल्यूएशंस ज़्यादा है, ऊपरी लेवल ऊपरी सतह पे है, तो मार्केट में करेक्शन आने दीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिहाज से आपको भारत में वैसे थोड़ा सा करेक्शन आ चुका है, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन और भी आपको वेट करना चाहिए, लंबा करेक्शन मार्केट में आने की संभावना है। स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया के लिए आइए चलते हैं मेरी कलीग निराली शाह के पास। ओवर टू निराली, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि मंडे यूनियन बजट है और उस दिन काफी स्टॉक्स वॉलेटाइल रहेंगे। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो प्लीज स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को एक हद तक प्रोटेक्ट करेगा। बजट वीक को ध्यान में रखते हुए पोजिशनल ट्रेडर्स थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वॉलेटिलिटी में स्टॉप आउट ना होने के लिए। हमारे दोनों आज के कॉल्स है बाय के लिए। पहला है HDFC बैंक। अपने Q3 के रिजल्ट्स के बाद HDFC बैंक के स्टॉक ने ज़्यादातर हैवी सेलिंग और हाई वॉलेटिलिटी एक्सपीरियंस की है, पर बैंकिंग सेक्टर में इतने सालों के ट्रैक रिकॉर्ड और स्टेबिलिटी होने के कारण ये एक लॉन्ग टर्म बेट है। इसका प्राइस स्ट्रक्चर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है शॉर्ट टर्म में। थर्सडे के सेल ऑफ के बाद स्टॉक अपने क्रूशियल सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि पिछले 3 महीनों से अच्छा कुशन बन गया है। मेजर प्राइस स्ट्रक्चर भी अच्छा है और ट्रेडर्स इस डिप को, जो कि वीकली चार्ट में शॉर्ट टर्म एवरेजेस तक जाता है, इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं 1450 के टारगेट के लिए 1340 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा बाय कॉल है अलेम्बिक फार्मा। अलेम्बिक फार्मा ने अपने 940 के शॉर्ट टर्म सपोर्ट से पुल बैक दिया है और फिलहाल कंसोलिडेट हो रहा है 930 से 960 के रेंज में पिछले 4-5 दिनों से, जो एक माइनर बॉटम बन गया है स्टॉक के लिए। RSI इंडिकेटर भी ओवरसोल्ड जोन में है, जो एक अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी का संकेत देते हैं। 925 के नीचे स्टॉक अगर सस्टेन करता है तो इस बेट को अवॉइड कर सकते हैं,
वरना ट्रेडर्स इसे 1000 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं 930 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू।